So good morning everyone. Good morning. आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में किया था, और बूलियन एलजेब्रा एक न्यू टॉपिक आज ऐड भी करेंगे। ठीक है, तो हैमिंग कोड हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये आपको डिटेक्शन और करेक्शन दोनों के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन एज वेल एज करेक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हैमिंग कोड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक बैच। यस, नथिंग इज बेटर देन दैट। गुड मॉर्निंग निकी, गुड मॉर्निंग निधि। सो अबाउट मी माई सेल्फ अरुण कुमार दुबे, आई क्वालिफाइड UGC नेट एंड गेट एग्जाम विद फर्स्ट अटेम्प्ट एंड गुड रैंक। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन माई मास्टर एंड करेंटली परसुइंग PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। माई एरिया ऑफ रिसर्च इज डीप लर्निंग। I have 8+ year teaching experience to teach GATE students as well as university students. I also teach some foreign university students like University of Hong Kong and St. Petersburg State University students. The subject I mostly take ADA, DS, DOC, CD, Digital and C programming. So iconic and plus batch. Yes, iconic batch that include personal coach, study planner, expert guidelines and ESC main question answer. सो पर्सनल कोच ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आपके टॉप रैंकर्स हैं, दे पर्सनली एंटरटेन यू, दे गाइड यू एंड दे हेल्प यू टू गेट बेस्ट रैंक। स्टडी प्लानर आपके सारे जो है प्लानिंग करके देगा, जैसे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उसके बाद फिर एडा कैसे पढ़ना है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग को कैसे कवर करना है, तो एक सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज आपको पर्टिकुलर टाइम पे क्या पढ़ना है, वो सब कुछ स्टडी प्लानर आपको देगा। आपका काम सिर्फ पढ़ना रहेगा, और अगर वो फॉलो करोगे आप, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेस्ट रैंक। एक्सपर्ट गाइडलाइंस में काफ़ी एमिनेंट फैकल्टीज एंड एलुमनाइज आर देयर फ्रॉम IITs एंड ISC बेंगलोर, एंड दे विल हेल्प यू टू अचीव बेस्ट इन योर लाइफ। तो आइकॉनिक बैच, ये सारी चीज़ें, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये तो हैं, प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं जो अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स हैं, वो सारे हैं, लाइक लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर, शेड्यूल एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस। एंड यूज़ माई कोड AKDLIVE, यहाँ पर मेरा कोड है AKDLIVE, आप मेरा कोड यूज़ करो to get maximum discount, and follow my profile unacademy.com/@AKDLIVE. ये मेरी प्रोफाइल है, सो यू मे फॉलो दिस। तो 6 month, 12 month, 24 month का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंड use my code AKDLIVE. For plus you have to pay of 22,500 rupees after discount, and for iconic batch 40,500 rupees after discount. The payment mode is also so easy, debit card, credit card, net banking and EMI option. अगर कुछ नहीं है तो EMI option है, and use my code AKDLIVE for maximum discount. The Facebook page that we have, GATE Aspirant, 150,000 members are there, and GATE Aspirant MEC CSE 10,000 members are there. तो join these Facebook page, तो आप क्या benefit मिलेगा, कोई भी information है, test series है, quiz है, GATE related information है, syllabus change है, वो सब कुछ यहाँ पर available रहेगा। New batches हम लोग क्या start करने जा रहे हैं, that could be beneficial for you. And this is our Telegram URL, unacademy gate cs. This is our Telegram URL.
सब्सक्राइब दिस सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोट्स. मैं भी हर सेकेंड डे और थर्ड डे में सारे नोट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ. जो आपके थंबनेल में लेक्चर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. जैसे आज है लेक्चर नंबर 8 हैमिंग कोड एंड बुलियन अलजेब्रा, तो सेम PDF आई विल शेयर ऑन दिस टेलीग्राम URL. दीज आर आवर YouTube चैनल अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस, अन अकेडमी गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, अन अकेडमी गेट तेलुगु, अन अकेडमी गेट सी, अन अकेडमी गेट MEPI XE, क्रेट्रेक्स गेट EEC इन अन अकेडमी SSC JEE इंजीनियरिंग पाठशाला एंड इंजीनियरिंग फाउंडेशन. दीज आर आवर YouTube चैनल. गो एंड सब्सक्राइब दीज चैनल्स एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो थैंक यू लर्नर्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टूडेज टॉपिक एंड दैट इज हैमिंग कोड एंड बुलियन अलजेब्रा. ओके, हैमिंग कोड एंड बुलियन अलजेब्रा. दिस इज लेक्चर नंबर 8. तो हैमिंग कोड आपको पता ही है ये किसके लिए यूज हो सकता है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों के लिए ये यूज हो सकता है हैमिंग कोड. और जो लास्ट क्लास अभी हमने फिनिश की थी लेक्चर नंबर 7, वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इट्स नॉट मीन दैट आई विल डायरेक्टली परफॉर्म क्वेश्चंस. एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड प्लीज लाइक माई वीडियो करेक्शन. ठीक है, सो हैमिंग कोड आपका डिटेक्शन और करेक्शन दोनों के लिए यूज है. मतलब हैमिंग कोड नॉट ओनली प्रोवाइड्स द डिटेक्शन ऑफ अ बिट एरर, ऑल्सो प्रोवाइड विच बिट इज इन एरर. नॉट ओनली provides the detection of a bit error. कई बार गेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया है of a bit error. Also identifies also identifies which bit is in error. ठीक है, और ये क्यों आइडेंटिफाई करता है? ताकि उसको करेक्ट कर सके, सो दैट इट कैन बी करेक्टेड. तो हैमिंग कोड का हमने ये देखा कि दैट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन एज वेल एज करेक्शन. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेंशन करते हैं. और उससे पहले हमने ये देखा था कि हैमिंग कोड को परफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स हैं. अगर हैमिंग कोड का क्वेश्चन आता है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स शुड बी सेंड बाई सेंडर, सो फॉर दैट फर्स्ट you should be able to identify number of parity bits required for the message. Pehla step kya tha? Number of parity bit identify karna. Jaise 4 bit tha, for example, agar data aapka kitna hai? 4 bit hai, to parity bit kitna tha? 3 bit. 3 parity bit required. तो टोटल जो आपका डेटा हो गया था वो कितना हो गया था? 7 बिट का. ठीक है, तो पहला काम है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक पर्टिकुलर डेटा है और उसको ट्रांसफ़र करना है, तो हैमिंग कोड आपको ये कहता है कि पहले आप फाइंड करो कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितने होंगे. ठीक है, सेकेंड है लोकेशन ऑफ द पैरिटी बिट इन द कोड. Location of the
parity bit in the code. ये आपको करना है, लोकेशन फाइंड करना है कि एक्चुअली जो 7 bit है तो 7 bit में parity bit कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये लोकेशन आपको फाइंड करना है. तो वो लोकेशन कैसे होता है, 1, 2, 4, 8 दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इस तरीके से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सो ऑन. तो अगर 3 पैरिटी बिट है तो लोकेशन पहली पैरिटी बिट की कहाँ होगी, 1 प्लेस पे, सेकेंड की 2nd प्लेस पे और थर्ड की 4th प्लेस पे होगी. फिर थर्ड पॉइंट था असाइनिंग वैल्यूज टू पैरिटी बिट. तो पैरिटी बिट को क्या वैल्यूज असाइन करनी है डिपेंडिंग अपॉन ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी. तो असाइनिंग वैल्यूज टू पैरिटी बिट्स डिपेंडिंग अपॉन ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी. ठीक है, क्लियर है. तो जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम यही परफॉर्म करते हैं. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन आपका है जो लास्ट क्लास में लिया था, एनकोड अ बाइनरी वर्ड encode a binary word 1011, ठीक है, इंटू 7 bit इवन पैरिटी. अगर ये ना भी दिया हो तो भी वो 7 bit होगा, इंटू 7 bit इवन पैरिटी हैमिंग कोड. इवन पैरिटी हैमिंग कोड, तो जो वो 7 bit की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप क्या है, इवन पैरिटी हैमिंग कोड है. तो वो फाइंड करने के लिए, वो फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या था, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 1011, ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स रिक्वायर्ड वो हम कैसे फाइंड करते थे, 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस पी प्लस 1. 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस पी प्लस 1. वैसे इस क्वेश्चन में तो 7 bit ऑलरेडी दे रखा है, तो जो हैमिंग कोड होगा वो 7 bit का है तो, और डेटा 4 bit का है, तो पैरिटी बिट कितना होगा, 3 bit का. ये तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, लेकिन अगर 7 नहीं दिया होता तो हम ऐसे कैलकुलेट करते टू फाइंड नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, टू फाइंड नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स. ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है तो 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस 5. अब पी की वैल्यू पी इक्वल टू 3 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑन पी इक्वल टू 3 इट इज 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5, तो सेटिस्फाई हो रही है. तो पी की वैल्यू 3 है, ऑलरेडी 3 दे भी रखी है 7 bit. ओके, तो नंबर ऑफ बिट कितने हो गए, 3 पैरिटी बिट है, और टोटल कोड बिट कितना है, 7. टोटल कोड बिट 4 इज अ डेटा बिट एंड 3 इज अ पैरिटी बिट. तो 4 plus 3 = 7 bit, दिस इज हैमिंग कोड बिट.
अब ये पैरिटी बिट की पोजीशन कहाँ होगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिट लोकेशन टेबल बनाना पड़ेगा, बिट लोकेशन टेबल जो मैंने बनाया था लास्ट क्लास में। बिट लोकेशन टेबल कुछ नहीं है, बस आपकी जो लोकेशन है उसका बिट फॉर्म में कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो है। तो इसकी पोजीशन पैरिटी की मैंने ये कहा कि वो डिसाइड होती है वन पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट क्या होनी है। थ्री पैरिटी बिट है तो पहले की पोजीशन 2 की पावर 0 1 पे होगी, तय ये P1 के लिए, 2 पे P2 के लिए और 4 पे आपका P3 के लिए है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको कैसे पैरिटी बिट की पोजीशन फाइंड करनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लेस पे पहला पैरिटी बिट जाएगा, 2 की पावर 1 टू बिट सेकेंड पोजीशन पे दूसरा पैरिटी बिट जाएगा और फोर्थ पोजीशन पे तीसरा पैरिटी बिट जाएगा। तो जो मेरा डेटा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, P1 ठीक है, P2, उसके बाद जो थर्ड प्लेस है वो उसको हम किस में दे देंगे, डेटा को। तो डेटा को हम दे रहे हैं D, तो ऑब्वियस ही बात है थर्ड प्लेस है तो इसको हम D3 कर देते हैं। फिर पैरिटी बिट एट पोजीशन 4, फिर डेटा 5, डेटा नेक्स्ट डेटा बिट किस पे जा रहा है, पोजीशन 5 पे। फिर डेटा बिट 6, फिर डेटा बिट 7, टोटल कितने आपके बिट हैं, 7 बिट हैं। ओके ये क्लियर हो गया। अब दिस इज बिट डेजिग्नेशन, हर एक की डेजिग्नेशन मैंने दे दी है, P1 P2 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ठीक है। अच्छा बिट लोकेशन हमें पता है 1 2 3 4 5 6, ये बिट लोकेशन है। बिट लोकेशन का अगर बाइनरी नंबर फाइंड करना हो, बाइनरी ऑफ बिट लोकेशन ये आपको फाइंड करना है, तो P1 वन प्लेस है तो इसकी बाइनरी क्या होगी, 0 0 1। P2 की क्या होगी, 0 1 0। P3 की क्या होगी, 0 1 1, सॉरी D3 की। और फिर पोजीशन 4 की क्या होगी, 1 0 0। 5 की 1 0 1, 6 की 1 1 0 और 7 की क्या होगी, 1 1 1। ये इनकी क्या है, बाइनरी बिट ऑफ लोकेशन। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अब इंफॉर्मेशन बिट हम मुझे ऐड करनी है, तो डेटा है मेरा 1 0 1 1, तो इंफॉर्मेशन बिट यहां पे ऐड करनी है। इंफॉर्मेशन बिट, तो डेटा मेरा क्या है, D3, D5, D6, D7 और 1 0 1 1, इसको इसके यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। तो D3 पे क्या आएगा, 1, फिर नेक्स्ट 1 कहाँ पे जाएगा, D5 पे, फिर नेक्स्ट क्या है, 0 कहाँ जाएगा, D6 पे और 1। दिस इज X की वैल्यू। अब पैरिटी बिट जो ब्लैंक है इसको भी फिल करना है, पैरिटी बिट को भी फिल करना है, तो पैरिटी बिट फिल करने के लिए अभी पैरिटी बिट खाली है तभी आपका हैमिंग कोड बनेगा। पैरिटी बिट फिल कर लेते हैं,
अब पैरिटी बिट किस पे फिल करना है, इवन पैरिटी पे, किस पे फिल करना है, इवन पैरिटी पे। तो पी वन को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखो बाइनरी ऑफ बिट लोकेशन इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, एलएसबी पे वन है, तो वो सारे डेटा बिट जहाँ पे वन एलएसबी पे एग्जिस्ट कर रहा है वो पी वन के लिए यूज़ होंगे। तो डी थ्री में एलएसबी पे वन यूज़ कर रहा है, डी फाइव पे वन कर रहा है, डी सिक्स पे नहीं है, डी सेवन पे वन है। तो पी वन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चेक करना चाहिए डी थ्री, डी फाइव और डी सिक्स। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो डी थ्री, डी फाइव, डी सिक्स नहीं, डी सेवन है, दिस इज डी सेवन, सेवन पे एल एस बी वन है। तो इवन पैरिटी है, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो इवन होने चाहिए। अगर पैरिटी के साथ टोटल नंबर ऑफ बिट्स इवन होने चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अगर मैं चेक करूं डी थ्री, डी फाइव, डी सेवन, तो डी थ्री पे वन है, डी फाइव पे वन है और डी सेवन पे वन है, तीनों पे वन 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 है। तो पैरिटी बिट क्या मैं रखूं कि ये टोटल नंबर ऑफ वन इवन हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है वन रखोगे। तो पी वन पे आपका क्या आ गया, पैरिटी बिट वन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब पी टू के लिए क्या करना पड़ेगा, P2 के लिए आप चेक करना है वन कहाँ है, मिडिल में है। तो जिस भी डेटा बिट पे वन मिडिल में एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम यूज़ करेंगे। तो वन किस पे कर रहा है, D3 पे, D6 पे और D7 पे, D3, D6, D7, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू क्या, D3 का डेटा बिट, अब इंफॉर्मेशन बिट क्या है, वन है। फिर D6 की इंफॉर्मेशन बिट क्या है, जीरो है और D7 की वन है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन बिट यहाँ हम पुट कर रहे हैं, अब P2 की क्या बिट होगी ताकि ये इवन रहे, तो ऑब्वियसली बात है P2 आपका जीरो होगा तभी नंबर ऑफ वन जीरो होंगे, सॉरी नंबर ऑफ वन इवन होंगे। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब P3 फाइंड करना है, देखो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा हैमिंग कोड, फिर उसके बाद हम जो है कौन सी पोजीशन पे एरर है और उसको कैसे करेक्ट करना है वो भी लर्न करेंगे, लेकिन पहले ये समझ में आना चाहिए। P3, अब P3 को चेक करो आप, दैट इज़ P4, थर्ड पैरिटी बिट, इट इज़ P4। तो P4 को अगर आप चेक किए तो आपको पास MSB पे वन है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है। तो वो सारे डेटा बिट जिनके बाइनरी ऑफ बिट लोकेशन एम एस बी पे वन होंगे वो सारा पी फोर फाइंड करने के लिए यूज होंगे। तो अब आप देखो किस पे है, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, डी थ्री पे है एम एस बी पे वन, नो, डी फाइव पे यस, डी सिक्स पे यस, डी सेवन पे यस। तो इस ये किसके लिए क्या यूज होगा, डी फाइव, डी सिक्स और D7। अब इन सब की इंफॉर्मेशन बिट क्या है, तो D5 की इंफॉर्मेशन बिट है 1, D6 की 0, D7 की 1। तो P4 की वैल्यू क्या होगी ताकि नंबर ऑफ जो पैरिटी नंबर ऑफ बिट्स हैं 1 के वो इवन रहे, तो ऑब्वियसली बात है 0 क्योंकि 1 1 पहले से इवन है ही, 2 है तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। तो P4 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपका टोटल हैमिंग कोड क्या हो गया, टोटल कोड क्या हो गया, तो टोटल कोड आपका हो गया वन वन जीरो वन
0101. This is Hamming code. ठीक है, this is even parity Hamming code. ये चीज सेंड होगी सेंडर की साइड से. ठीक है, ये चीज सेंड होगी किससे? सेंडर की साइड से. अब यहां पे आता है कि अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे. ये तो हैमिंग कोड है जो हम सेंड करेंगे, सेंडर सेंड करेगा. क्वेश्चन में तो यही था, लेकिन क्वेश्चन अब ऐड करते हैं. अब हम क्वेश्चन क्या ऐड करते हैं कि एरर भी आपको फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द एरर. ठीक है, सो डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग ऑन एरर, ये चेक कर लेते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग ऑन एरर. तो क्वेश्चन है, एज्यूम दैट द इवन पैरिटी हैमिंग कोड एज्यूम that the even parity Hamming code even parity Hamming code Hamming code in example zero one one zero zero one one is transmitted. Abhi Hamming code diya hua hai. Transmitted. ठीक है, transmitted and that zero one zero 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 one one seven होना चाहिए, is received. तो ये bit transfer हुई थी और actually ये receive हुई थी, तो obvious ही बात है error है. अगर आप देखो यहाँ पे MSB की साइड से थर्ड प्लेस पे ये बिट चेंज हो गई 1 से 0. ठीक है, तो एरर है. तो ये चीज हमें डिटेक्ट करनी है और करेक्ट करनी है. सो रिसीवर डज नॉट नो, रिसीवर को तो पता नहीं है. तो रिसीवर डज नॉट नो What was transmitted? ठीक है, जैसे ईमेल आपको किसी को रिसीव हो तो आप कुछ उसमें बिट चेंज हो जाए, कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो आपको नहीं पता है कि ये सही है या गलत है. हो सकता है कुछ चेंज किया गया हो इंफॉर्मेशन इन बिटवीन. तो वैसे ही रिसीवर है, रिसीवर को नहीं पता है कि बिट चेंज हो गया है. तो आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन बिट लोकेशन वेयर एरर हैज अकर्ड यूजिंग रिसीव्ड कोड. Using received code, ये करना है आपको. तो इसके करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंडर आपका है जिसने 0110011
ये इंफॉर्मेशन सेंड की, बट रिसीवर साइड 01 ये बिट चेंज हो गया, थर्ड वाला 00011 ये बिट चेंज हो गया है, बट रिसीवर को नहीं पता है, रिसीवर को नहीं पता है कि ये बिट चेंज हो गया है, ठीक है। तो रिसीवर आइडेंटिफाई करे कि कौन सा बिट चेंज हुआ है। तो अगर मैं इसका बिट लोकेशन टेबल में सब कुछ तो हमें पता है, तो बिट लोकेशन टेबल बनाते हैं। तो बिट लोकेशन टेबल के अकॉर्डिंग काशिफ, जो मशीन लर्निंग का है उसमें थोड़े से दो एल्गोरिदम बाकी है, बाकी कंप्लीट है, वो मैं कंप्लीट करूँगा वीकेंड पे। उसका टाइमिंग 9:30 to 10:30 था। आई नो टू एल्गोरिदम्स आर रिमेन दैट आई विल कवर। और अगर आपकी आकर आपको मशीन लर्निंग के सारे नोट्स चाहिए, सारे जुपिटर फाइल चाहिए, तो आप मेरी अन अकेडमी की जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करके वहाँ अपनी ईमेल आईडी मैसेज कर सकते हो। मैं सारा जुपिटर नोटबुक और पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा जो मैंने अभी तक कवर किया है, प्लस जो मैं कवर करने वाला हूँ ऑन वीकेंड। सो बिट लोकेशन टेबल, तो बिट लोकेशन टेबल में अगर आप देखें तो D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1 ये आपका हैमिंग कोड है, और इसकी वैल्यूज हैं पहले से गिवेन है, ठीक है, पहले से गिवेन है रिसीव कोड। तो रिसीव कोड क्या है, 01 00 01 1। ओके, थैंक यू आसिफ, दिस इज रिसीव कोड, रिसीव कोड, ठीक है। अब क्योंकि ये रिसीव कोड में एरर है, ये रिसीव कोड में एरर है, तो मैं ऐसा करता हूँ पैरिटी बिट चेक करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है पैरिटी बिट से ही आइडेंटिफाई होगा, और क्वेश्चन में दिया है इवन पैरिटी, क्वेश्चन में क्या दिया है इवन पैरिटी, तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, चेक फॉर पैरिटी बिट। पैरिटी बिट ही हमें बताता है कि एरर है या नहीं है। ऑब्वियसली बात, जब इवन पैरिटी है तो टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है P1 के करेस्पॉन्डिंग, जो P1 किसको करता है 357, P1 पैरिटी बिट एसोसिएटेड विथ D3, D5 एंड D7 अभी हमने लर्न किया, ठीक है। तो P1 को अगर मैं चेक करूं तो P1 में 1 है, और P1 के लिए हमें चेक करना है D3, D5 और D7। तो P1 में यहां 1 मेंशन है, D3 में क्या है 0, D5 में क्या है 0, D7 में क्या है 0। ये इवन पैरिटी था, इवन पैरिटी हैमिंग कोड था, ठीक है, इवन पैरिटी हैमिंग कोड था। तो ऑब्वियस ही बात है जब इवन पैरिटी हैमिंग कोड सेंडर की साइड से सेंड किया गया है, तो रिसीवर की साइड से तो सेम कोड रिसीव होना चाहिए, बट रिसीवर कोड जब आइडेंटिफाई होता है तो पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ वन कितने ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं ऑड है। आप चेक करो इसमें 1 ही 1 है, एक ही पारी 1 आया, सो देयर इज 1 1 इन ग्रुप। तो पैरिटी चेक फॉर इवन पैरिटी इज रॉन्ग। अब जैसे ही इसने ये कह दिया कि कोई पैरिटी बिट जो हमने चेक किया है वो गलत है, तो इसका मतलब ये आपका रिसीवर साइड जो डेटा है वो चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो
एलएसबी पे, ये क्या है, एलएसबी प्लेस है, दिस इज एलएसबी P1, तो इसको मेंशन कर देते हैं एलएसबी। अभी इसका यूज बताएंगे क्या है। फिर P2 के लिए चेक कर लो, P2 के लिए चेक कर लो, तो P2 के लिए मुझे देखना पड़ता है पोजीशन नंबर 3, 6 एंड 7, D3, D6 और D7। अभी हमने लर्न किया, तो D3 पे अगर आप देखो वैल्यू क्या है, 0, D7 पे वैल्यू 0 है, D6 पे वैल्यू 1 है और P2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या ये इवन पैरिटी है? यस है, है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, इवन पैरिटी पे करेक्ट है। अब P3 के लिए चेक कर लो, P3 के लिए हम क्या चेक करते हैं, P3 दैट इज P4, पोजीशन 4 है, उसके हिसाब से हम देते हैं थर्ड जो पैरिटी बिट है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं D5, D6 और D7। इसका इंफॉर्मेशन बिट देख लो, D5 का क्या है, 0 है, D6 का 1 है, D7 का 0 है और P4 की वैल्यू क्या है, 0 यहाँ पे रिसीव कोड में। तो क्या ये इवन पैरिटी बिट पे करेक्ट है टोटल? नहीं, करेक्ट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 है, जबकि इवन होने चाहिए, 1 इज ऑड, सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो अभी आपका करेक्ट पे P2 वेट क्या था, 1, तो पैरिटी बिट यहां पे करेक्ट आई है, यहां पे करेक्ट आई है, तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और जहां पे रॉन्ग आई है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फॉर रॉन्ग आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए 1 लिखोगे और करेक्ट के लिए 0, ये याद रखना। तो 101 इज इक्विवेलेंट टू, 101 इज इक्विवेलेंट टू 5, 101 इज इक्विवेलेंट टू 5। तो बिट इन द नंबर 5 लोकेशन इज इन एरर, तो जो 5 लोकेशन है, जो 5th लोकेशन है वो एरर है, और 5th लोकेशन क्या है, D5, इट्स मीन D5 इज अ एरर। D5 बिट एरर, तो D5 बिट आइडेंटिफाई हो गया कि एरर है, तो D5 पे क्या है, 0 है, तो इसको करेक्ट करके D5 को, D5 की करेंट बिट क्या है, 0, तो इसको करेक्ट करने के लिए 0 की जगह आपको क्या यूज करना है, 1, तो 1 इज करेक्ट। तो D5 0 है, अब वो क्या हो गया, 1। अब जैसे ये 1 हुआ तो आप देखो जो सेंडर ने सेंड किया था सेम बिट रिसीवर साइड आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर है। एक बार इसे रिपीट करना है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दिस। किसी को भी लगता है आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हैमिंग कोड, हैमिंग कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है हैमिंग कोड, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन के लिए यूज होता है, कैसे परफॉर्म होता है। क्लियर है सबको? ओके, अगर ये क्लियर है आप इसको वीडियो को अगेन फिर से देख लेना,
यहां पे याद रखना, जब भी बिट आपने आइडेंटिफाई किया कि रॉन्ग है तो उसको आप वन से रिप्रेजेंट करोगे, और करेक्ट है तो जीरो से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो व्हेन एवर यू आइडेंटिफाई द रिजल्ट इज रॉन्ग तो मार्क एज अ वन, और जैसे ही करेक्ट है तो उसके लिए जीरो। क्लियर हो गया? तो यहां पे तो करेक्ट कोड क्या हो गया, तो इसने करेक्ट कोड आइडेंटिफाई कर लिया, करेक्ट कोड ये आपका करेक्ट कोड है 011011। अब यहां प्ले स्पेस नहीं है, मैं यहां पे कर देता हूं। After this, come here. Fifth position corrected. और करेक्ट कोड क्या है? जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन। क्लियर है? हम लोग लर्न करने वाले हैं बाइनरी कोड के बाद हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, बूलियन एल्जेब्रा। बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है। सो बूलियन एल्जेब्रा आपका हर एक जगह, आप देखो कि जब कोई सर्किट आप बनाते हो अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो बूलियन एल्जेब्रा उसको हेल्प करेगा ताकि आप उसे मिनिमाइज कर सको। तो बूलियन एल्जेब्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बूलियन एल्जेब्रा सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है जॉर्ज बूले के द्वारा। डेवलप्ड बाई जॉर्ज पुले इन 1854, काफी पुराना है। तो स्टार्ट करते हैं बुलियन एल्जेब्रा। तो बुलियन एल्जेब्रा में जो मोस्टली ऑपरेटर यूज होता है वो है प्लस, डॉट, ठीक है, और बार का। तो दिस इज और ऑपरेशन, दिस इज एंड दिस इज नॉट, ठीक है, नॉट। थोड़ा सा फटाफट करते हैं, काफी इजी है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट में अगर आप ए कोई वेरिएबल है, ए इज अ वेरिएबल, और उसमें आप जीरो जीरो बाइनरी ऐड करो, दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो प्लस ए ऑल्सो, एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा।
और आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें है, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू प्लस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, एंड डेजिग्नेटेड बाई जीरो. सेकेंड आप है आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ठीक है, एंड के रिस्पेक्ट में एंड डेजिग्नेटेड बाई वन. सो ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए एंड इट इज इक्वल टू, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा. कम्यूटेटिव, अगर टू वेरिएबल्स हैं ए प्लस बी दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बी प्लस ए, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी ये कम्यूटेटिव है. तो अगर ए डॉट बी आप परफॉर्म करो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बी डॉट ए. टू वेरिएबल्स हैं, अगर ए डॉट बी आपने परफॉर्म किया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू बी डॉट ए ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डॉट एंड प्लस क्या है, अगर ए डॉट बी प्लस सी आप करो इट इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव मेंशन किया है वो इम्पोर्टेंट है. यहां तक समझ में आ गया. एक मैं मैराथन सेशन लूंगा सैटरडे को और उसमें पूरे वीक का रिवीजन बेस्ड प्रैक्टिस होगी, ठीक है, रिवीजन होगी और उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी. तो मैराथन सेशन आप लोग अटेंड करो ऑन सैटरडे 7 to 9 एक्सपेक्टेड टाइम है, वो फ्राइडे को पता चल जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, फॉर एवरी बाइनरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट. जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है क्या होगा, ए बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो इसमें ये होता है कि अगर ए की वैल्यू वन हो जाए तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, देन ए बार इक्वल टू
जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर ऐसे ए इक्वल टू अगर जीरो है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। अब रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, दीज आर द प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लर्न किए, रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा के लिए आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो भी सिंबल आपके आर्बिट्री एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दोज आर वेरिएबल इन बुलियन अलजेब्रा। तो वेरिएबल क्या है, विच रिप्रेजेंट प्रेरी एलिमेंट, ठीक है। जैसे ए आपका वेरिएबल था, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर से, ये तो हमने देख लिया। लॉजिकल एंड के लिए क्या यूज करते हैं, लॉजिकल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ठीक है, डॉट। और लॉजिकल एंड कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डायरेक्टली सिंपली राइटिंग टू वेरिएबल, तो डॉट में क्या होगा, जैसे ए डॉट पी, और इसमें क्या होगा, ए पी, दोनों की मीनिंग क्या है, एंड की, ठीक है। और के लिए ऑपरेटर के लिए हमने देख ही लिया, प्लस यूज होगा, ए प्लस बी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रूल, रूल वन ये है, अगर आप देखो मैंने ये देखा प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, और ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल। अगर आप कोई वेरिएबल है उसमें जीरो ऐड करोगे तो ए आएगा, और ए में जीरो ऐड करोगे तो भी ए ही आएगा, ठीक है। रूल टू फटाफट करते हैं, खत्म करते हैं इसको, बेसिक रूल, क्योंकि रूल टू ये काफी इजी है। रूल टू ये कहता है कि अगर आप वन प्लस ए करो तो क्या आएगा, वन आएगा, और ए प्लस वन करोगे तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा, दिस इज रूल टू। तो अगर वन किसी भी वेरिएबल में ऐड करोगे तो वो आउटपुट वन ही आएगा, रूल थ्री ये है कि अगर आप a प्लस ए कभी भी परफॉर्म करोगे टू वेरिएबल, दैट विल ऑलवेज बी a, दैट विल ऑलवेज बी a, ठीक है। नेक्स्ट रूल है,
रूल फोर ये कहता है कि अगर ए एक वेरिएबल है और उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे तो ये वन हो जाए, ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए विल बी वन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये जो रूल हमने अप्लाई किया है, आप ऐसे ध्यान से देखो, और पे किया है, अगर लॉजिकल एंड पे रूल देखें रूल फाइव, अब लॉजिकल एंड पे रूल देखते हैं, ठीक है, कि जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो ही होगा और ए डॉट जीरो इज जीरो। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, अब लॉजिकल एंड पे चेक कर रहे हैं, रूल सिक्स आपका ये कहेगा कि अगर वन डॉट ए आप परफॉर्म करो इक्वल टू ए डॉट वन, आइडेंटिटी में तो अभी हमने लर्न किया है, वन डॉट ए इज इक्वल टू ऑलवेज ए या ए डॉट वन इज इक्वल टू ऑलवेज ए, दिस इज रूल सिक्स। अब रूल सेवन एंड पे है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक है, ये कहीं मिस और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ए डॉट ए इज ऑलवेज ए, ठीक है, अगर टू वेरिएबल का और करो या एंड करो वो सेम ही आता है। नेक्स्ट रूल है ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज जीरो और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए इज ऑलवेज जीरो, क्लियर हो गया। और लास्ट आपका हम देख लेते हैं रूल नाइन, बेसिक, ये बेसिक रूल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इस पे कभी भी मिस्टेक ना करना, कि ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ए, ठीक है, जैसे वन का कॉम्प्लीमेंट आप करो और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करो ये वन ही आएगा। सो दीज आर द बेसिक रूल ऑफ बूलियन एल्जेब्रा एंड दैट विल बी यूज टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है लर्नर्स। तो इसके आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो क्लास में, जिसमें बूलियन एल्जेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हमने लर्न किया है हैमिंग कोड, बूलियन एल्जेब्रा। आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि हैमिंग कोड पे 2-3 क्वेश्चंस आप करो, ठीक है, पहले हैमिंग कोड फाइंड करो, फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी परफॉर्म करना है आपको, ठीक है, और बेसिक बूलियन एल्जेब्रा हमने लर्न किया, बेसिक बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है। सो थैंक यू लर्नर्स फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। Tomorrow class, I will continue from this place. And please follow my profile unacademy.com@akdlive. ये आपको follow करना है। कोई भी question है आप मुझे यहाँ message कर सकते हो। सारे notes, अभी आज का भी notes, I am going to share on this Telegram URL. So please note down this Telegram URL. Okay, I am going to share on Telegram URL all notes, सारे notes में share करने वाला हूँ।